नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मी यूआई 11 के टॉप 3 सबसे कमाल की थीम्स। तो गाइस, आपको करना है क्या, सिंपली वीडियो एंड तक देखना है। मैंने पूरा थीम्स का रिव्यू किया है, आपको वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और गाइस बेल आइकन दबा दो ऐसी वीडियोज देखने के लिए। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ पे थीम नंबर 1 निकल के आती है GTR थीम। जी हाँ दोस्तों, इसका आप एनिमेशन देख सकते हो, कुछ काफ़ी एंटिक्स एनिमेशन लगता है देखने में। ओवरऑल गाइस, अगर आप टच करोगे तो आपकी लॉक स्क्रीन यहाँ पे खुल जाती है। लॉक स्क्रीन देखने में कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे सिंपली टाइमिंग का सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पे अनलॉक करने के बाद सामने आपके होम स्क्रीन स्क्रीन कुछ ऐसी आती है। तो इसके आइकन्स जो है गाइस, काफ़ी बढ़िया आइकन्स दिए गए हैं, एकदम शाइनी आइकन है और काफ़ी दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिनिमलिस्ट लुक लेके आते हैं। ओवरऑल गाइस, थीम की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पीछे जो लाइव वॉलपेपर है, हो सकता है थोड़ा बैटरी कंजप्शन करे, बट दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं गाइस इसके क्विक सेटिंग्स पैनल की, जो कि गाइस आपको ऊपर की साइड मिलेगा। आपको सिंपली से साइड करना है और यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग्स पैनल मिल जाता है, जिसमें कि आपको जैसे कि नॉर्मल Xiaomi के फ़ोन में फीचर दिए होते हैं, हॉटस्पॉट है, मोबाइल डेटा है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सिंपल से एक अपग्रेड कह सकते हैं यहाँ पे। और गाइस, बात करते हैं अगर हम सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स में भी ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं गया। यहाँ पे सिंपली आपको वाइट कलर का जो आता है एक्सेंट, वो दिया गया है। इसमें एक्सेंट भी चेंज नहीं किया है। ओवरऑल गाइस, थीम ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन है नहीं, लेकिन दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थीम है। थोड़ा जो डार्क मोड वाला सिस्टम है इसका, जो आइकन्स है, और यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैं फ़ोन पे क्लिक करता हूँ तो गाइस यहाँ पे एक अलग सी लाइन आ जाती है। अगर आप यहाँ पे नंबर टाइप करते हो तो आपके नंबर को सेपरेट करने के लिए ऊपर एक लाइन आ जाती है, जो कि आप गाइस सिंपली यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे कुछ नॉर्मल से फीचर दिए गए, कुछ खास इतना फीचर दिया हुआ नहीं गया। इस है प्रीमियम थीम बट इतने अच्छे फीचर दिए नहीं गए। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, मॉडरेट यूज़र हो, तो आप इस थीम को नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। इतनी कोई हाई एंड थीम है नहीं है। ओवरऑल गाइस, मुझे अब तक इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और बात करते हैं इसके मल्टीटास्किंग, तो टास्क बिल्कुल किल नहीं करती है, सिंपली फटाफट से टास्क खुलते हैं और मुझे अभी तक कोई लैग का इशू आया नहीं है इस थीम में, जैसा कि आप देख सकते हो। तो गाइस, आपको सिंपली करना है कि अगर इस थीम को डाउनलोड करनी है तो आपको स्टोर पर जाना है और GTR थीम सर्च मारनी है। आप यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस चलिए फटाफट से बढ़ते हैं हमारी अगली थीम की तरफ। तो गाइस, हमारी अगली थीम निकल के आती है, वो है AMOLED कलर V3। इसकी लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो सिंपली iOS 13 कि जैसी लॉक स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि नॉर्मल iOS के फ़ोन में आती है। ओवरऑल गाइस, मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट तो पार्ट इसका लॉक स्क्रीन का लगा है, प्लस इसका जो HD वॉलपेपर है ये सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट लगा है। और गाइस, यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप देख सकते हो कैसे इसके आइकन्स हैं, आइकन काफ़ी कार्टूनिश से है, मिनिमलिस्टिक से आइकन है। और इसकी जो नेविगेशन बार है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सी थीम लगती है। ओवरऑल गाइस, ये थीम डार्क मोड को सपोर्ट करती है। इसका जो वॉलपेपर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अपने साथ एक डार्क ब्लू शेड लेके आता है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। यहाँ पे बात करते हैं क्विक सेटिंग्स पैनल की, तो यहाँ पे कुछ खास फीचर दिए नहीं गए। जो ग्रिड है क्विक सेटिंग्स पैनल की, इसको थोड़ा छोटा कर दिया गया है, थोड़ा दिखने में कंजस्टेड है। बाकी ओवरऑल थीम की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वाईफाई की, तो ना ही करें तो अच्छा है। तो यहाँ पर गाइस सिंपली आप जैसे वाईफाई पर टैप करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आता है, जैसे आप कोई भी आइकन पर टैप करोगे तो अपना रंग चेंज कर देता है, अपना कलर चेंज कर देता है। यहाँ पे गाइस जैसे कि डार्क मोड आ चुका है इस थीम में, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और एक बैटरी सेविंग चीज़ भी है, जो डार्क मोड वाली है काफ़ी ज़्यादा बैटरी सेव करती है आपके फ़ोन की। अब बात करते हैं इसके फ़ोन डायलर की, तो फ़ोन डायलर में भी सेम टू सेम वही एक्सेंट दिया गया, अपना डार्क ब्लू शेड दी गई है। और यहाँ पे एक सिंपल सा फ़ोन का जो आइकन है, इसमें थोड़ा अपडेट किया गया है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पे जैसे क्योंकि जैसे मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फटाफट से टैप हो रहा है, कोई लैग का इशू देखने के लिए मुझे फिलहाल अब तक मिला नहीं है। और यहाँ पे अगर टास्क किलिंग की बात करें, तो यहाँ पे एक सिंपल सा ऑप्शन आपको दिया गया टास्क किलिंग करने के लिए, जो कि एक फिंगरप्रिंट एनिमेशन जैसे आपको लगता है। यहाँ पे जैसे टैप करोगे तो टास्क आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस थीम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन दिया हुआ गया नहीं है। यहाँ पे अगर बात करते हैं डाउनलोडिंग की, तो सेम गाइस आपको स्टोर पे आना है और सिंपली डाउनलोड कर लेनी है। अगर मेरे पास लिंक होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब गाइस चलिए फटाफट से बढ़ते हैं हम हमारी अगली थीम की तरफ। तो गाइस, हमारी तीसरी और सबसे आखिरी थीम आती है 11UIDWM74, जो कि काफ़ी वियर्ड सा नाम लगता है, लेकिन थीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप लॉक स्क्रीन देख सकते हो कि इसका HD वॉलपेपर कितना ज़्यादा बढ़िया लगता है। ओवरऑल गाइस, इसके जो आइकन्स हैं वो मिनिमलिस्टिक से हैं और ये आइकन में अपडेट किया गया, बाकी नेविगेशन बार सिंपल सा है। ओवरऑल गाइस, थीम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्लीन UI अपने साथ लेके आती है, ज़्यादा कुछ खास फीचर दिए हुए नहीं है, बिल्कुल कंजेस्टेड थीम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ थीम है। बात करते हैं इसके क्विक सेटिंग्स पैनल की, तो वही थोड़ा एक पिंक कलर का एक्सेंट जैसा आता है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आगे अगर मैं स्लाइड करके इस फीचर को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे रोटेट ऑफ का ऑन कर दिया। और यहाँ पे अगर बात करें बैटरी सेवर की, जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे जो पिंक कलर का एक्सेंट है वो आ जाएगा और आपको दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा, मतलब यूज़ करने में कूल लगता है कि हाँ हमारे पास कोई अच्छा सा थीम है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है।
कस्टमाइजेशन भी ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स में वही जो वॉलपेपर वाला एक्सेंट है पीछे देख सकते हो कि आप पर्पल कलर का एक्सेंट आता है और पूरे के पूरे सेटिंग्स में वही एक्सेंट दिया गया है हर आइकन के ऊपर। और अगर बात करते हैं इसके सेटिंग्स के फीचर को, अगर मैं आपको ऑन करके बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे गया हूँ लॉक स्क्रीन के फीचर पे, और यहाँ पे जैसे मैं कोई भी आप जगह पे टैप करोगे तो ये थीम अपना एक्सेंट अपने साथ लेके चलती है। यहाँ पे जैसे आप टैप करोगे तो रेस्ट बैक पे टैप किया तो एक्सेंट यहाँ पे आ गया। ओवरऑल इस थीम काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास फीचर है नहीं, ठीक है। वॉलपेपर पीछे वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है दिखने में, इजी टू यूज़ थीम, इसे कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता है, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं फ़ोन डायलर की, तो सिंपली ये डायलर यहाँ पे दिया गया जो कि नॉर्मल फ़ोन्स में दिया जाता है। और गाइस चलिए फटाफट से मैं बता देता हूँ आपको ये थीम डाउनलोड कहाँ से करनी है। तो गाइस यहाँ पे आपको थीम डाउनलोड करने की उसकी खास मेहनत करनी नहीं है, आपको सिंपली स्टोर पे जाना है और ये नेम सर्च मार लेना है, जैसे कि दो थीम डाउनलोड की थी वैसे के वैसे। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब, और गाइस बेल आइकन दबा दो ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।